Bismillah ar rahim Bismillah al-Fattah <clears throat> Hope you will be finally in the high state of Iman and health. Today, we are going to uh, start the new chapter of uh, Gore Publishers, St. Anthony High School, Class 6th, Islamic Studies, and page number 84. Let's get started. The human, the human rights of uh, human beings. The human rights of human beings. Let me just check that. डों द राइट ऑफ ह्यूमन बींग टिक फर्स्ट आई विल रीड द पैराग्राफ कम्प्लीटली ट्रांसलेट एंड द बेसिक पॉइंट सींग्स ऑफ दाफिट्स हजूर नबी करीम सल व्लम के डेफिनेटली तो हम उनको अदीस बोलते हैं टू सिंस आर सच हु पनशमेंट अल्लाह पेरेंट्स एंड नंबर टू प्राइड हजू नबी करीम सल ने फरमाया कि दो गुना ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा अल्लाह ताली इस दुनिया में भी देता है उनमें से एक है वालदेन की नाफरमानी वालदे को ईज़ा या तकलीफ़ पहुँचाना और दूसरा है प्राइड तकबर करना और डी टीचर्स आपने जो है ना वो Uh, आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो इसको आपने इंग्लिश में ही डिफ़ाइन करना होगा मैं आपके सामने इंग्लिश में एक दफ़ा इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ हजूर नबी करीम सेज दैट देर आर टू सिन दैट विल कैप्चर्ड यू एंड दैट विल गिव यू द पनिशमेंट इन दिस वर्ल्ड दे आर टू द वन इज़ डिसंस ऑफ़ योर पेरेंट्स ऑफ योर टीचर्स ऑफ योर एल्डर्स एंड नंबर टू द प्राइड सो द राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स इंसानी हकूक और अगर एग्जैक्ट तर्जमा करना चाहें तो राइट्स हकूक ऑफ ह्यूमन बींग्स नस्ल इंसानी के द रट ऑफ ह्यूमन बींग्स मीन मीन द रट्स ऑफ द पीपल इन इस्लाम द रट्स ऑफ पीपल हैव बीन गिवन मच इम्पॉर्टेंस आफ्टर द रफ अल्लाह आल माइथी द इम्पॉर्टेंस ऑफ द्यूमन रज़ एलिटेड बाई द फैक्ट दैट इफ अल्लाह आल माइथी विल वॉन्ट he may forgive negligence in fulfilling his right his rights like prayers charity uh, fasting pilgrimage but the human rights will not be forgiven until the person uh, whose rights have been violated does so human rights include the rights of uh, parents children relatives teachers husbands हजबैंड एंड वाइफ और फन्स दुअर सर्वेंट्स एंड नेबर्स डी टीचर्स अभी मैं आपके सामने इसको जो है ना वमरी में आप बता दूँ कि यहाँ पर हमने जो है ना दो चीज़ें देखी हैं दो हकूक़ की बात की गई है एक का नाम है हकूकुल्ला और एक का नाम है हकूक इबाद अब मैं आपको वर्ड टू तो वर्ड तर्जुमा दे रहा हूँ ताकि आपकी अपनी जो है ना वो समझ उसमें पहले जो है वो आ जाए और फिर आप आगे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग इंसानी हकूक मीन मतलब है द राइट्स ऑफ द पीपल अवामी हकूक लोगों के हकूक इन इस्लाम इस्लाम के अंदर द ऑफ़ पीपल हकूक लिबाद गिवन मच इम्पॉर्टेंस उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है आफ्टर द ऑफ़ अल्लाह उल्ला के बाद अल्लाह आलमाति यानी क़दर मुतलक द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रोमियत है इंसानी हकूक हकुँ की हकूक लिबाद की इज़ एलिट बाई द फैक्ट वो इस बात से और ज़्यादा जो है उनकी मुशदिका जो है वो Uh, हालत या इतला हम तक पहुँचती है दैट इफ़ अल्लाह आलमाई टी विल वॉन्ट अगर अल्लाह ताला माफ़ फरमाना चाहे ही मे फॉर गिव नेगलीजेंस इन फ़ुलफिलिंग तो वो कोताही माफ़ फरमा देता है हज़ रइट्स हकूकुल्ला की लाइक like प्रेयर्स जैसे नमाज़ चैरिटी सखावत फेस्टिंग रोज़ा पिलग्रमेज जो है वो हज या उमरा द ह्यूमन राइट्स विल नॉट बी फॉर गिवन लेकिन अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा या याकूकल्ला हुकुल, के बाद जो है वो हकूक इबाद माफ़ नहीं किए जाएंगे अनटेल द पर्सन हूज रेव बिन वायलेट डज सो कि जिस शख्स के अन टेल दर्सन जब तक के वो शख्स होज़ रिस जिसके हकूक हैव बिन वायलेटेड वो छीने गए हैं या जिसके हकूक प हुए हैं डज सो जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है अल्लाह ताला भी तब तक माफ नहीं करेगा ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट्स ऑफ पेरेंट्स ह्यूमन राइट्स के अंदर हकूकल इबाद के अंदर हकूकल वालदेन के हकूक चिल्ड्रन बच्चों के हकूक रिलेटिव रिश्तेदारों के हकूक टीचर्स इस के हकूक हसबेंड एंड वाइफ शोर और बीवी के हकूक यतीमों के हकूक द पुअर गरीबों के सर्वेंट्स ग़ुलामों के एंड नेबर्स और हती के पड़ोसियों के हकूक जो है वो शामिल हैं द राइट्स ऑफ पेरेंट्स The first and strongest relation of a man is with uh, his parents. In Islam, a great, a great emphasizes, emphasis have been laid to the right of parents after the right of Allah Almighty. The Holy Quran says. The first, uh, the Holy Quran says. द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जो सबसे पहला और ज़रूरी पहाड़न में और कीमती तरीन जो डी ए टीचर्स यहाँ पे चूंकि मेरा सांस रुक गया था तो मैंने उस पर जो है वो इन की वजह से आ, me, आप पहाड़न में आपसे माफ़ी मांगी है कि जी ये एक फितरी और एक अच्छा तरीका है यूरोपियंस या जो है वो डिवेलप कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है जब आपकी तरफ से कोई इंसानी कोताही होती है तो आप उसके ऊपर जो है वो माजरत करते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है और ए, है, एथिक्स के अंदर और एटिकेट्स के अंदर ये ख़ूबसूरत बात है तो ये आपको बच्चों को भी जो है ना वो सिखलानी चाहिए द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन पहला सबसे जो सबसे मज़बूत रिश्ता होता है ऑफ़ अ मैन एक इंसान का इस विद इस पेरेंट्स वो उसके वालदेन से होता है इन इस्लाम इस्लाम में अ ग्रेट एम्फिस इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है एज़ बीन लेड टू द राइट्स रहनुमाई करते हुए द राइट्स पेरेंट्स वालदेन के आफ्टर द अल्लाह अल्लाटी खुद खुदा तला या अल्ला सुबाना ताल के कदर मतलब के जो है वह हक़ूक़ के बाद दाली कुरान सेज़ कुरान पाक जो है वो आ, कहता है वबील वाली एसानन अब इसका तर्जमा आप जो है वो शेख उम डॉक्टर मोहम्मद ताहरक्री साहब के इरफान से भी देख सकते हैं जोज़ालमद पीर मोहम्मद करम शाह साहब के ज़याकुरान से भी देख सकते हैं और किबला शाही सामा मिराज इस्लाम का कुरान लालीशान तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको जो है ना वो अगर तीनों रखना चाहें तो अच्छी बात है आप टीचर्स हैं तो टीचर्स को जो है वो मल्टी वेरियंट होना चाहिए और टीचर जो है वो हर कौम का टीचर होता है हर कबीले का टीचर होता है हर जो है वो सेक्ट का या हर मसल का जो है वो टीचर होता है तो टीचर कभी भी अपना जो है ना वो मसला किसी स्टूडेंट पर थोपता नहीं होता ट्रांसलेशन एंड बी काइंड टू योर पेरेंट्स और आप हो जाइए जो है काइंड मेहरबान टू योर पेरेंट्स अपने वालदे से सूरा बनी इसराइल और आयत नंबर ट्वेंटी थ्री ठीक है जी अब मैं अगला पैराग्राफ जो है वो आपके सामने रिसाइट कर रहा हूँ और फिर हम इसको जो है ना वो डेफिनेट करेंगे अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के जो है ना वो बताने के दो तरीके हैं कि आप इनको जो है ना वो वाइट बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं बच्चों को आप वर्कशीट भी दे सकते हैं और वर्कशीट देने का तरीका ये होता है कि आप इसमें से स्पेलिंग्स निकालें उनकी एक वर्कशीट बनाएं चाहे आप मार्कर से अच्छे अंदाज से बना लें कई जगहों पर मैंने आपको जो है ना वर्कशीट बनाने का तरीका बताया हुआ है कि आप ना किसी जो है ना उसके पास जाएं अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो एक खूबसूरत जो है ना अगर आपकी हंड रॉइटिंग अच्छी है तो एक मार्क लें उसके ऊपर वर्कशीट लिखें नीचे स्कूल का नाम लिखें और नीचे मुश्किल अल्फाज जो है वो लिख दें और आगे जो है ना वो खाली जगह छोड़ दें बच्चे घर बैठ कर और बच्चों को कहें कि खुद से डिक्शनरी जो है ना वो इस्तेमाल करें इससे क्या होगा कि बच्चों को जो है ना वो डिक्शनरी यूज़ करना भी आ जाएगी और उनके लिए और फ़ायदा होगा और फिर बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करवा दे तो दोनों चीज़ें जो है ना उनकी ड्रिलिंग भी हो जाएगी और उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अतबार से रिसर्च प्रैक्टिस भी हो जाएगी द पेरेंट्स शुड बी ट्रीटेड विद सॉफ्टनेस पेरेंट्स जो है वालदे जो हैं शुड बी ट्रीटेड उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए विद सॉफ्टनेस बहुत ही अला हुसन सलूक देर शुड बी देर शुड नाट बी सच अ थिंग एज रिजल्ट इन देर ओफेंस ओफेंस के कोई एक दकीका भी ऐसा नहीं होना चाहिए सच अ थिंक कोई छोटी से छोटी चीज़ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए इन देयर ओफेंस जिससे उनको गुस्सा आए दो प्राफ्ट सल वसम सैड हज़ूर नबी करीम ने फरमाया मिस्टर रजाउलमस्तफ़ा नाओ वट यू हैव डन विद यर डैडा That uh, that was a good uh, deed according to this uh, chapter, or that was not a good deed. Not a good deed. So it means we never uh, do prank such type of pranks which harmful to anyone. So uh, our pranks should be very lighter in a quite better way. Okay. So uh, today uh, there is a partner with me in this as a viewer mr. azal mustafa mr. atal mustafa and uh, son of uh, what is the what is the name of your father and uh, what is the name of your dadu, your grandfather you don't know okay <coughs> so this is your assignment the parents should be treated with softness there, there should not be you, uh, such things as results in their offense the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said the pleasure of parents is the pleasure of allah almighty walidain ka जो uh, इतमान है वालदेन की जो रज़ा है उसमें अल्लाह की रज़ा है या वालदेन की रज़ामंदी अल्लाह की रज़ामंदी है फटलम सयाबी ने रसुल्लासलम रसुल्ला से एक शख्स ने रसुल्लासलम से पूछा वट राइट डू पेरेंट्स हैव ऑन देअिलन के वाले के बच्चों पर क्या हकूक है दि प्राफटम सैड पेरेंट्स आर दै पेरेंट्स आर द हेल एंड पेराडाइज ऑफ चिल्ड्रन कि वाले जो है वो अपने बच्चे के लिए जन्नत या जहनम का जो है वो दर्जा रखते हैं इट मीनस दैट चिल्ड्रन कैन अटेन पेराडाइज के बच्चे चाहें तो जन्नत हासिल कर लें अपॉन सर्विंग दैम उनकी खिदमत करते हुए एंड देयर डिस एंड इल ट्रीटमेंट और उनकी जो डिसबीडियंस उनकी नाफरमानी और गलत जो है ना वो नाचाकी और बुरा सलूक कैन लीड दैम टू हेल्प वो वह जन्नम में फेंक सकता है तो अली प्राफ़टल्लम सैड हजूर नबी करीमल ने फरमाया गर्ल और बोए एक लड़की या लड़का हु मानता है वो, आ, एंड सर्व और ख़िदमत करता है द पेरेंट्स वाले की इज गिवन द रिवार्ड ऑफ वन ग्रेट पिलग्रमेज उसे एक हज अकबरी का स्वाब मिलता है ग्रेट पिलग्रमेज यहाँ पे ग्रेट का मतलब आपने बड़ा नहीं करना यहाँ पे हज अकबरी मुराद है यानी कि जो uh, बहुत ज्यादा जो है वो अजय अकबरी की डिटेल में तारीफ़ आपको जो है ना वो किसी भी जो है ना वो आपके इस्लामिक टीचर से मिल जाएगी लेकिन इसका तर्जमा आपने बड़ा नहीं करना कि बड़े आज का स्वाब जो है ना यहाँ पे इस्लामिक टर्मिनलॉजी के अतबार से अजय अकबरी आपने बोलना है एवरी टाइम हर दफ़ा ई शी लुक्स अपॉन द पेरेंट्स जब वो अपने वालदेन की तरफ देखता है या देखती है विद लव मोहब्बत के साथ एंड रिस्पेक्ट और ए, उनकी जो है वो इज्ज़त के साथ तकरीम के साथ कम्पेनियन आस्ड एक सयाबी ने आ, पूछा दोहली प्राफ्ट मज़ूर नबी करीम से सलील वसम सलील वसाब वबारिक वसलम इफ़ ही लुक्स आ हंड्रेड टाइम्स एवरी डे कि अगर वो सौ दफ़ा देखें यानी अगर कोई सौ दफ़ा देखे विल ही देन तो क्या फिर भी उसे जो है ना वो स्वाब मिलेगा एज विल गेट द रिवार्ड ऑफ अ ग्रेट पिलग्रमेज एवरी टाइम तो आपने फरमाया कि उसको हर दफा यानी पूछा कि क्या उसको हर दफ़ा जयबरी का स्वाब होगा दौली प्राफटम सल्हमी हजूर नबी कर फरमायाज नो शॉर्टेज अल्लाह के पास नेकियों की कोई कमी नहीं है ही कैन गिव एज ही कैन गिव एज मच वो दे सकता है पेज नंबर एटी फाइव पे आ गया हूँ डियर टीचर्स He much reward for an act as he wants वो किसी भी अमल का इतना जो है वो अमल इतना आपको जो है वो उसका रिवार्ड या उसका इनाम दे सकता है जितना वो चाहे अ मैन आस्क दली प्रॉफ्ट हजूर नबी इक्रीम से एक शख्स ने पूछा हु इज़ द मोस्ट डिजर्विंग ऑफ माई गुड ट्रीटमेंट कौन मेरे हुसन सलूक का सबसे ज़्यादा मस्तक है ये सल्लम सैड रसोल पा ने फरमाया मदर तुम्हारी वालदा द मैन अगेन आस्क उस आदमी ने दोबारा पूछा उसके बाद कौन उसने स्लो कम स्त है आफ्टर दैट है ही योर मदर आपने फिर फरमाया तुम्हारी वालदा ही आस्क द सेम क्वेश्चन फॉर द थर्ड टाइम जब उसने तीसरी मरतबा फिर ये सवाल दोहराया टू विच दली प्राफट अगेन रिप्लाइड जिसका दोबारा रसूल पाक सलसलम ने जवाब दिया योर मदर तुम्हारी वालदा ऑन हिज आस्किंग फॉर द फोर्थ टाइम इसके बाद उसने चौथी मरतबा ये सवाल दोबारा दोहराया दाप्राफ्ट रिप्लाइड तो चौथी मरतबा रसूल पाकल्लम सल ने फरमाया फ़ादर तुम्हारे वालद एंड आफ्टर योर फादर और आपके वालद के बाद योर रेलिटि आपके रिश्तेदार फ्राम द क्लोजस्ट वंस जो उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं यानी जो आपके बहुत ज़्यादा जविलरहम बहुत करीबी रिश्तेदार हैं तो ये सही बुखारी की जो है वो रिवायत है जिसको हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा मैन सेड एक आदमी ने कहा टू तो दौली प्राफट्ट पाक सल्सलम से प्लीज़ परमिट मी टू तो गो फॉर जिहाद मुझे इजाज़ दी, दीजिए जिहाद पर जाने की दौली प्राफट्ट सेड रसुल पाक ने फरमाया सर्व, uh, हर एज रसूल पाक ने फरमाया इज़ मदर लाइफ क्या तुम्हारी वालदा जिंदा है ही रिप्लाइड ये उसने कहा जी हाँ दौली प्राफटलीसलम सैड तो आप सरकार ने सैद न करीमलीसम सल, ने फरमाया सर्व हर एज पैराडाइज सर्व हर उसकी खिदमत करो एज पैराडाइज लाइज एट आर फीट के जन्नत माँ के कदमों तले है दैट इज़ वाई इट इज़ इट इज़ इंपॉर्टेंट यही वजह है कि ये इतना अहम है दैट वेरी पॉसिबल अटेम्प्ट शुड बी मेड टू क्या टू कीप पेरेंट्स हैप्पी मिस्टर मुस्तफ़ा हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वालदेन को हर दम उन्हें खुशी मिले उन्हें कोई जो है वो गम या तकलीफ ना मिले बाय सर्विंग पेरेंट्स वालदेन की खिदमत करते हुए देर आर देर आर रिवार्ड्स नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड उसका इनाम सिर्फ इस दुनिया में नहीं इन देयर आफ्टर बल्कि बाद की दुनिया के अंदर भी है द दॉली प्रॉफिट सल आल्सो टोल्ड अबाउट हजू नबी करीम ने बतलाया भी बतलाया थ्रेट ऑफ फॉर बींग डिसट के एक डर ना फरमानी का टू पेरेंट्स वालदेन से फुलफिलिंग द पेरेंट इज़ फुलफिलिंग द पेरेंट वालदेन की हकूक को पूरा किया जाए इज़ ऑफ सच इम्पॉर्टेंस उनकी इतनी अहमियत है एज इवन इफ़ द पेरेंट्स आर नॉन मुस्लिम हती के वालदे गैर मुस्लिम भी हों एंड पेजन या नॉन बिलीवर हों ईवन They इवन दैन दे शुड भी ट्रीटेड वेल तो तब भी उनके साथ उसने सलूक और अला दर्जे का सलूक किया जाएगा राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों के हकूक Islam, Islam has set rights for parents. Islam ने जो है वो द वे जिस तरीके से इस्लाम ने वाले के हकूक रखे हैं द सेम वे उसी तरीके से देर आर rights, कुछ हकूक हैं ऑफ children, बच्चों के विच इज ड्यूटी ऑफ़ द पेरेंट्स जो के ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स जो के वाले की जिम्मेदारी है फुलफिल उनको पूरा करना द दुरान सेज कुरान सेजी कुरान ने कहा यानी कुरने uh, पाक में शादा बारी ताला इट इज द ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स ये वाले की जिम्मेदारी है वालदे के फ्राइज में शामिल है दे नाट ओनली मेक अरेंजमेंट्स कि वो मेहनत करें फॉर फूड एंड शेल्टर के ख़ुराक की और पनाह की पनाह की फॉर देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए यहाँ पर मैं अतल को ये ए, सबक देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगाई है कि जो ज़रूरी खाना है वो बच्चों को दिया जाए जिसके अंदर सब्ज़ी भी आती है दालें भी आती हैं ठीक है, है? यहाँ पर देखें अल्लाह ताली ने कहीं बर्गर का नहीं कहा हुआ सो so, आप ये बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट यहाँ पे टीचर्स कर सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ है कि जरूरियात की जो है वो जिम्मेदारी वालदेन के ऊपर है तयुशात की नहीं एंड शेल्टर फॉर देयर प्रोफिटर चिल्ड्रन बट आल्सो नर्टर दैम नर्टर बल्कि उनकी जो देयर uh, चिल्ड्रन के अपने बच्चों को जो है ना वो जरूरियात दें इन द राइट वे दुरुस्त तरीके से ऑन एन उकैन ये दुरुस्त तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो जब भी पीटीएम आए तो आप पेरेंट्स को यहाँ पर गाइड कर सकते हैं कि आपके घर में अगर बेटा और बेटी दोनों है तो दोनों के साथ उसने स्लोक जो है वो बराबर का होना चाहिए ऑन एन ओकेजन ने फरमाया इज नो गिफ्ट कोई अच्छा गिफ्ट नहीं है फ्रॉम अ फादर एक वा, वालद से टू अ चिल्ड्रन बेटे को अदर देन ब्रिंगिंग हिम अप इन द राइट मैनर कि उसकी दुरुस्त अंदाज में परवरिश की जाए ऑन एनदर ओ कैन एक और मौका पर दौली प्राफटलीस हज़ू नबी करीमलीसम सैड आपने फरमाया इट इज़ बैटर फार आ फादर ये एक वा, ये वालद के लिए बहुत अच्छा है टू एजुकेट कि वो तालीम दे इस चिल्ड्रन अपने बच्चों को दैन टू गिव चैरिटी सखी बनाने की नस्बत यानी उन्हें सख़ावत की तरगीब की बजाय उन्हें तालीम की तर, तरहीब और तरगीब दे वेदर अ सन और अ डॉटर चाहे एक बेटा हो या बेटी बोथ शुड बी ट्रीटेड विद इक्वल लव उन्हें हमेशा जो है वो बेहतरीन और मुतवाजन उसने सलूक के साथ जो है वो उनके साथ उसने सलूक होना चाहिए द राइट अप ऑफ द डॉटर बेहतरीन निगहदाश्त बेटी की इज़ स्पेशली एम्फेसाइज्ड उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है इन दौली कुरानौली कुरान में दौली प्रॉफ्ट वसल् सैड हज़ू नबी करीम वसलम ने फरमाया हु एवर ब्रॉट अप टू और थ्री डॉटर्स जो दो या तीन बेटियों की जब परवरिश करेगा और सिस्टर्स या जो है वो उनकी बहनों की एजुकेटेड दैम उन्हें तालीम देगा ट्रीटेड दैन वेल उसने स्लूक करेगा एंड देन गॉड दैरिड और उनकी फिर शादी करेगा विल गो टू हेवन वो जन्नत में जाएगा वो जन्नत में जाएगा डी ए टीचर यहां पर पेज नंबर एटी फाइव मुकम्मल हुआ पेज नंबर एटी सिक्स पर आते हैं इज दैट हु इज नॉट डों वॉल्यूम इज दैट हु इज नॉट अ रेलिटिव कि जो आ, आपके रिश्तेदार नहीं है एंड द वन एंड वन विद वन काइंड ऑफ़ राइट इज द वन हु इज अस्लिम हती के उन के भी हकूक है चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों नहीं है अब जल्दी से डू यू नो क्या आप जानते हैं पहले ये पढ़ लेते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एक बच्चे की जो है वो पैदाइश के बाद अजान शुड बी सैड अजान दी जाती है इन द राइट ईयर उसके दाएं कान में एंड एकमा और इकामत कही जाती है इन द लेफ्ट ईयर उसके बाएं कान में ऑफ द चाइल्ड बच्चे बच्चे के द इस्लामिक नेम ऑफ चाइल्ड शुड बी गिवन और उसको इस्लामी नाम दिया जाता है ऑन द सेवंथ डे जो है वो सातवें दिन एंड अकीका एन अकीका शुड बी डन और उसका अकीका किया जाता है वन गोट एक बकरा इज स्लॉटर्ड वो कुर्बान किया जाता है इन केस ऑफ अ डाटर अगर बेटी है एंड टू इन केस ऑफ सन और दो कुर्बान किए जाते हैं अगर बेटा हो तो बेटी के लिए एक बकरा और बेटे के लिए कुर्बानी के तौर पे टू तौ गॉड्स दो बकरे इट इज़ नॉट ऑब्लीगेटरी फॉर द पुअर पेरेंट्स लेकिन ये गरीब वाले के लिए ज़रूरी नहीं है वेलकम बैक वाइल्ड क्लैरिफाइंग द नेबर वाइल क्लैरिफाइंग मजीद जो है वो तशीस करते हुए बताते हुए जो है वो समझाते हुए क्लैरिफाई आ, बुनियादी तौर पे होता है तसही करते हुए द रट्स ऑफ नेबर जो है हमसायों के हकूक द्राफ्ट सल्ला वसम सैड हजूर नबी करीमल ने फरमायाफ़ द नेबर आस्क फॉर अ लोन अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे उधार मांगे गिव इम अ लोन तो उसे उधार दे दो इफ ही नीड्स योर हेल्प अगर उसको तुम्हारी मदद चाहिए हेल्प हिम उसको मदद दो इफ ही फाल सिक अगर वो बीमार हो जाए टेक केयर ऑफ़ हिम उसका उसकी तीमारदारी करो ख्याल रखो इफ़ ही गेट्स सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, उसे कोई खुशी मिले दैन कॉन्ग्रेजुलेट हिम तो उसे मनाओ उसे मुबारकबाद दो उसके ऊपर इफ़ यू गेट स्टक इन सम प्रॉब्लम और अगर वह किसी मसला में किसी बुराई में किसी परेशानी में फंस जाए शो हिम सिम्पथी तो उसे हम उससे हमदर्दी जतलाओ वनीडाइज जब वो मर जाए अरेंज फार हीज़ फ्यूनरल उसके कफ़न दफ़न का इंतज़ाम करो विदाउट द परमिशन ऑफ द नेबर बग़ैर उनके जो है ना वो पड़ोसियों की इजाजत के डो नाट एक्सपेंड योर हाउस अपने घर को मत फैलाओ सच दैट इट मे डिप्रीव योर नेबरज हाउस ऑफ एयर और लाइट कि तुम्हारा जो जमसाया है वो हवा और ताज़ा हवा खोरी और रोशनी से मरूम हो जाए इफ़ यू बाई फ्रूट्स अगर तुम फ्रूट्स uh, uh, जो है फल ख़रीदो दैन आल्सो गिफ्ट देम टू योर नेबर तो उसमें से कुछ है, अपने पड़ोसियों को भी भिजवाओ सो वेन विल यू बाई मिस्टर मुस्तफ़ा वैन विल यू बाई द फ्रूट्स विद योर डैडा विद योर फादर Will you uh, put some, will you uh, send some food as a gift, uh, as a, so will you send some uh, fruit as a gift to your uh, neighbors? I'm also your neighbor, okay? <laughs> that was just a uh, mimicry and that was just a laughter right here. So, uh, dear teachers, <clears throat> rights of the teachers. Now, Mr. Atal Mustafa, be ready. जस्ट लाइक और पेरेंट्स बिल्कुल of teachers इस के हकूक जस्ट लाइक our पेरेंट्स हमारे वालदेन की तरह टीचर्स आल्सो नर्टर वालदे के हकूक हैं एंड नर्टर एंड एजुकेटर्स वो हमें पालते भी हैं नर्चर भी कह सकते हैं टी को बसाओ का दिए अफ्रीकन जो है ना वो ज्यादा इसको जो है ना टी को सी एच के आवाज़ में क्योंकि उनका जो है वो सिकल वाक्य होता है तो लुकनत की वजह से वो उसको छ में बदल देते हैं तो नॉर्मली जो है वो नर्टर एंड एजुकेट और हमें तालीम देते हैं अस हमें इट इज़ द ड्यूटी फॉर ऑल ऑफ़ अस ये हम सब की ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट जो है वो मदद करें और टीचर्स अपने वा, वा, जो है वो उसकी की इज़्ज़त करें तक्रीम करें और मदद करें और बिलव्ड प्रॉफिट हमारे जो बिलव्ड प्रॉफिट हमारे जो आ, पाक पैगम्बर हमारे ज़ू नबी करीम सहबूब पैगम्बर सेट आपने फ़रमाया आई हैव बिन सेंट एज़ एन एजुकेटर कि मुझे एक उस्ताद के तौर पे भेजा गया इब्ने माजा की यह हदीस है और मैं असल हदीस जो है ना वो टीचर्स के लिए सुना देता हूँ ताकि उसको इन्ना माँ बोइ तो मन इन्ना मा बेशक मैं बोइ तो मबूस किया गया हूँ भेजा गया हूँ मम बनाकर टीचर बनाकर मेंटोर बनाकर और एजुकेटर बनाकर प्रोफेसर बनाकर डॉक्टर बनाकर दैट इज़ वाई यही वजह है इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू ट्रीट अवर टीचर ये ज़रूरी है टू ट्रीट अवर टीचर्स हम के हम अपने टीचर्स के साथ सलूक करें विद रिस्पेक्ट जो है वो इज्जत के साथ एंड ऑनर और, और आ, बेहतरीन तहसीन के साथ इज्जत और मरतबा के साथ द टीचर्स ऑनर का मतलब वैसे इज़्ज़त होता है रिस्पेक्ट का मतलब तक्रीम होता है वैसे ये दोनों आपस में जो है ना सिनोनिम्स भी हैं द टीचर शुड बी टॉक्ड जो है वो टीचर्स को भी जो है ना वो बात करनी चाहिए टू इन्ना लो वॉइस जो है वो कम नरम और धीमी आवाज़ के अंदर विच एवर गुड एक्ट्स जो अच्छा करे जो अच्छा रवैया पैदा करता है या अच्छा तासुर पैदा करता है द टीचर्स टेल अस टू परफॉर्म टीचर्स को हमें बताना चाहिए कैसे हम परफॉर्म करें शुड बी डन बेहतर तरीके से ऑल टीचर्स शुड बी डन के कैसे हम उसको जो है ना वो बेहतर तरीके से करें आल टीचर्स इन द स्कूल शुड बी ग्रेटड और ग्रीटड uh, और तमाम टीचर्स को जो है वो बी uh, ग्रीट हमेशा उनको तक्रीम से नवाजा जाए उनकी इज़्ज़त की जाए एक्सरसाइज गिव डिटेल्ड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन वट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स इज़ टू नर्ट नर्टर हम जल्दी से इसको जो है ना वो कर लें पिछले पेज के ऊपर मैंने यहाँ पे पेरेंट्स uh, के अंदर ये ड्यूटीज़ दी हुई हैं जी यहाँ पे मिस्टर ताल मुस्तफ़ा विल यू हेल्प मी बट विल बी द आंसर द ड्यूटी टू नर्टर एंड ओ दैट शुड बी इन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हेयर इज़ या दैट देयर ड्यूटीज़ वन एन ओकेजन दली प्राफटी वैड it is better for a father to educate his children than to give a charity and the actual question is that it is the duty of it is the duty of uh, uh, parents that they uh, do uh, they not only make arrangements for food and shelter for their children but also nurture their